नमस्ते, आप सबका स्वागत है फिर से एक नया व्लॉग में, भूमिस लाइफ जर्नी में। आप चैनल का नया होते तो पहला हमारा प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आ जाइए, आज का व्लॉग शुरू करेंगे हम। प्लांट ग्रह हो गया, भूमि ग्रह होगी, है ना? प्लांट ग्रह हो गया, भूमि ग्रह होगी। इसे डाल दो और डालेगी, उसको और लाता हूँ। पकड़ो, डाल दो पानी, डाल दो प्लांट, पानी पी रहा है, पानी डालो। गुड गर्ल, प्लांट को थैंक यू बोलो, प्लांट को उस तरफ कर। हाँ बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू। आज हमारे घर में ब्रेकफास्ट है उत्तपम और मूंगफली का चटनी। मूंगफली का चटनी के लिए मैंने छोटा कटोरी मूंगफली ले लिया, उसमें स्वाद अनुसार मिर्ची ले लिया, सूखा मिर्ची, आपको चाहिए तो हरा मिर्ची भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने छोटा सा टैमरिंड ले लिया, इमली। अब इसको ठंडा होने के बाद मिक्सी लगा दिया, उसके लिए तड़का एज यूजल हींग और लहसुन और ऊपर से सूखा मिर्ची और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। ये साउथ इंडियन में ऐसा ही बनता है मूंगफली का चटनी। अब हमारा चटनी प्रिपेयर हो गया है, तड़का इसी में डाल दिए, इसको अच्छे से मिला दूंगी एक बार। नमक देख के, स्वाद अनुसार नमक चेक करके, आपको चाहिए तो बाद में भी डाल सकते हैं। अब हम उत्तपम बनाएंगे। थोड़ा सा बैटर ले लिया, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ा सा वाटर डाल दूंगी, जैसा उत्तपम को हमको बैटर चाहिए ना उतना सा। मैं प्लेन वाला उत्तपम बना रही हूँ इसलिए इसमें प्याज गाजर कुछ भी नहीं डाला हूँ, सिर्फ प्लेन है। फटाफट बन जाएगा। अब इस तरफ का भूमि के लिए मिल्क रखी हूँ, निकालने के बाद भूमि के लिए मिल्क निकाल दूंगी, उसके बाद हमारे लिए चाय बना दूंगी। अब हमारा उत्तपम तैयार हो रही है, भूमि के लिए ब्रेकफास्ट है आज, हमारे लिए भूमि के लिए यही उत्तपम खाएगी। अब आराम से एक पूरा खा लेती है भूमि। भूमि को ना इडली उत्तपम ये सब चीज़ बहुत ही पसंद आता है, इसलिए हफ्ता में दो बार हमारे घर में तो उत्तपम इडली बनता ही रहता है। हमारा एक प्रिपेयर हो गया है, अब दूसरा बनाएंगे। इधर हम चाय रख रहे हैं, ऑलरेडी भूमि के लिए निकाल दिया। अब ये है दोपहर के लिए खाना बना रही हूँ, वो है तुराई का सब्जी। सबका पता है रेसिपी, इसलिए नहीं दिखा रही हूँ। आज डिनर में बनाने वाला है मटर कचौरी। इसके लिए मैदा ले लिया, थोड़ा सा अजवाइन और घी डाल के थोड़ा सा खस्ता कर दी, उसके बाद इसको आटा जैसे सान देंगे। मटर इस तरफ का तो पीस लिया है दरदरा, आप देख सकते हैं। अब इसको मसाला के लिए हम थोड़ा सा मिर्ची और प्याज काट देंगे। आज घर में पूजा दीपक भी आया है, आज हमारा मटर कचौरी का पार्टी है घर में। अब एक कढ़ाई में ऑयल डाल के उसमें जीरा और थोड़ा सा हींग, उसके साथ साथ प्याज और मिर्ची थोड़ा सा भूंज देंगे इसको। उसके बाद इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो भी मसाला होते हैं ना वो डालना पड़ता है। ये मैदा बन गया है, इसमें हम डाल देंगे गर्म मसाला, सब्जी मसाला और धनिया पाउडर, और उसके साथ साथ जीरा पाउडर डालना है। और इसमें डाल रही है कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। उसके बाद सारी मसाला डाल के इसको भूंज लेंगे।
अब सारा मसाला डाल दिया, अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसमें डाल देंगे मटर, जो भी पीस के रखा है ना वो वाला। इसको कम से कम 15 मिनट्स आपको कुक करना पड़ता है, तभी मटर में जो भी मॉइस्चर कंटेंट होते हैं ना, मतलब पानी होते हैं, वो चले जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, स्वाद अनुसार डाल दीजिए आप, बाद में डालने का नहीं होता है, तो पहले ही देख के डाल दीजिए। अब हमारा मटर का मसाला भी प्रिपेयर हो गया है, इसको दूसरा बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे आप। इसमें मटर का मसाला दिख रहे है काला काला। नहीं एक्चुअल में लोहा भाड़ी कैसे भाड़ी ऐसे वो तो तुमने भाड़ दिया। अरे एक गांव में देखा ना, आदमी लोग को भौरी बनाने का बोलते ना लिट्टी, कुछ बने है ना लिट्टी तो मस्त गोल करके मस्त भर देगा, कहीं से भी कोई दाग नहीं दिखेगा, खुला के किधर भरेगा किधर। ये ऐसा खोरा बन गया, हाँ डाल दीजिए जितना बनेगा उतना, और डालिए थोड़ा सा खाने के लिए चाहिए ना। हाँ भाई सबके एडजस्ट करेंगे बस, वही तो कटोरा सबसे जल्दी नहीं बनता है, हम भी पहले बनाते थे ना, नहीं बनता था अपने से, अभी कोई खास नहीं बनता लेकिन बना लेता। हैप्पी लाइफ की बाबू दोनों तरफ डालते समय पकेगा वो, डालेगा हाथ से थोड़ा सा बेलन चला, हाँ वो दब जाएगा और साइड से थोड़ा थोड़ा कर देंगे। इधर एक एक करके फ्राई कर रही है। इस तरफ का पूजा तो थोड़ा सा आटा चाहिए था, उसका प्रिपरेशन कर रही है, भूमि को संभाल रही है दीपक, तो हम तो वीडियो ले रही है। ये राउंड में है ठीक है, देख अब हम एक बेलन से एक रोल फ्लैट करके दिखाएंगे आपको, ये राउंड का स्टाइल वाला। थोड़ा सा इधर मैदा, ये थोड़ा सा और ये थोड़ा सा, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा, ठीक क्या? हाथ देख लो, पता चला हाथ भी चले जाएगा उसी तेल में। पहले मेरा हाथ जलता था, जब भी पूरी डाल देता था ना मेरा हाथ जल जाता था। ये हो गया, हो गया, पक गया है, क्रिस्पी हुआ है, मस्त मस्त हुआ है, खाकर देखिए वही डाला है तो क्रिस्पी हो गया। नहीं वो भी अच्छा है, दोनों अलग, हाँ वो भी अलग, दो अलग अलग हो गया, दो तरीका से है, हाँ एक गोल मॉडल में हो गया क्रिस्प। देख लीजिए खा रही है दीपक, कैसा लगा? अच्छा मस्त मसाला पक गया पूरा, वो बोले ना इसमें रहेगा ना तो पूरा पक जाएगा एकदम। खाकर देखिए आप भी, लग रहा है इसको ये खा रहा है। इधर भूमि के लिए लेफ्ट ओवर जो भी है ना उससे नमकीन बन रही है। आज का डिनर प्लेटिंग है मटर कचौरी, धनिया पुदीना का चटनी, आलू गोभी का सब्जी।
लोग खा लेंगे। दीपक, पूजा, आटा वाला कहाँ है? भीम जी, भूमि ऑलरेडी उसके लिए नमकीन बन गई है, खा रही है। अब हम भी खा लेंगे, हम भी खा लेंगे। चलो उठाओ, शुरू करें। आई होप सो आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट भी मिला होगा, कुछ नया भी मिला होगा सीखने के लिए। तो आज का ब्लॉग इधर ही बंद करेंगे, कल मिलेंगे फिर से एक नया ब्लॉग में भूमि के साथ, भूमि की हरकत के साथ। तब तक नमस्ते, बाय बाय। आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।